अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलते बकरे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शहजाद। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद आमद है और हर शख्स चाह रहा है कि अपना पसंदीदा जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। मुल्तान की मवेशी मंडी में किस तरीके से सादा लो इंसानों को लूटा जाता है, इससे बचने के लिए हमने अपनी ड्रेसिंग जो है वो भी किसी कसाई या व्यापारी की तरह की बना ली है, ताकि लोग हमारी ड्रेसिंग देखकर हमें यही समझें कि कोई कसाई या व्यापारी है और हमें सस्ते दामों जो है वो रेट के ऊपर, सस्ते रेट के ऊपर जो है वो हमें कोई भी जानवर ईद उल अज़हा के लिए मिल जाए। अब देखना ये है कि क्या इस ड्रेसिंग में भी हम कोई सस्ता जानवर खरीद पाते हैं। हमारे साथ ढूंढ रहे हैं बकरे को, गाय को, बैल को या किसी और। ओ मड़ा, तुम पेशावर से इधर कहाँ? हम पेशावर से इधर आइए। ये पेशावर से इधर आए बकरा खरीदने के लिए? हम संडी संडी खरीदने के लिए आए। संडी खरीदने आया पेशावर से, और हम यहाँ पर जो है वो मुल्तान से अपना हुलिया बदल कर आए हैं। देखते हैं एक सस्ता किसको मिलेगा। ओ माई माई माई, मैं को संडी मिला दे। माई माई माई, मैं को बकरा दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को बकरी दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को संडी दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को चोरी बकरी करा दे। ओ माई माई माई, अल्लाह दे नाते बकरी दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को एक बकरी दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को छतरा दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को दुम्बी दिवा दे। माई माई माई, मैं को लाला दुम्बा दिवा दे। ले इतना मुफ्त दे बीच नहीं मिलना, इतना मुफ्त दे बीच नहीं मिलना। हमारा बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ा पैसा है। आओ फिर बकरे ढूंढते हैं। अरे मड़ा, ये तो सारा कुछ हो गया। मैं तुम्हारे से बहुत पहले मिला था, उस टाइम तुम छोटा सा था, हम भी छोटा सा था, जब हमारी पहली मुलाकात हुई। हम बड़ा बड़ा था, तुम छोटी छोटी थी। अरे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है आजकल? हमारा नाम है गुलखान। गुलखान, गुलखान तुम्हारे वालिद का क्या नाम था? डेरा गाजी खान। ये डेरा गाजी खान, तुम्हारे दादा का क्या नाम था? डेरा अस्मिल खान। तुम्हारे परदादा का क्या नाम था? दरिया खान। तुम जो लेने के लिए बकरा आए हो, उसका नाम खरीद कर क्या रखोगे? हम उसका नाम रखेंगे ओ जुलेखी। ओ माई माई माई, मैं को बकरा दिवा दे। माई माई माई, मैं को छतरा दिवा दे। ओ माई माई माई, मैं को दुम्बी दिवा दे। माई माई माई, मैं को बकरी दिवा दे। शैलो लेकिन देख बाल के। ओ माई माई माई, मैं को मुर्गी दिवा दे। मुर्गी नहीं लेनी, यहाँ मुर्गी लेने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्यों? लेने के लिए आए हैं दुम्बा, छतरा, बकरा, बैल, गाय या ऊंट। वो यार को व्यापारी को ढूंढो यार, हमारे को कोई सोनी सोनी बेहतरीन सी वो दुम्बी दिखाए। दुम्बी दिखाए? जी भाई, इस माल का कोई वारिस है, कोई व्यापारी है यहाँ पे? बुलाओ जी, किसी व्यापारी को बुलाओ, यहाँ कोई है तो। ये तुम मुझे लग रहे हो कि यहाँ के व्यापारी हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आजकल के व्यापारी भी बड़े साफ सुथरे पैंट शर्ट बुशर्ट शुट लगा के। ओ यारा, ये व्यापारी है? हाँ जी, व्यापारी है, पूरे इस मालक का मालक, पूरा साल मेहनत करता है, अब आराम से बैठ के खाएगा खाएगा। तुम इधर क्या करती है? हम बकरियां बेचती है, कमीशन कमीशन। वो यार कोई हमारे को ऐसा बकरा दिखो, ऐसा मोटा हो। कैसा मोटो? ऐसा मोटा हो तुम्हारे जैसा। वो यार हमारा पसली टूट गई। तुम्हारा पसली टूट गया? हमारा पसली टूट गई। तुम्हारी पसली टूट गई, और कैसा हो? ऐसा मोटा हो? हमारा बकरा ऐसा मोटा 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 ऐसा मोटा हो, ऐसा मोटा। क्या हुआ? ओ खुदा, तुम्हारा गाना खराब करे, वो हमारी पसली पे पसली चढ़ गई है वे। ओ यार, तुमने खुद, तुम्हें क्या हुआ? खाती थी ना पे तो बता रहे, ऐसा मोटा हाथ हो ना रखो। अच्छा। खा नहीं तो ना,
इसका हाथ पकड़ दे। एक मिनट, ओ यार तुम क्या काम करती है? मैं बकरा ढूंढ रहा हूँ जो ऐसा मार। ओए ओए तेरा काना खराब, वो हमारा गुर्दी निकल गई है। यार मुझे बकरा चाहिए, बकरा। ये तुम समझ रहे हो मेरी ड्रेसिंग देख रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं बहुत बड़ा कसाई हूँ। रोजाना की बुनियाद पे 10 से 15 पैसे हम ऐसे गिराते हैं और 15 से 16 बकरे हम ऐसे गिराते हैं और उसके बाद जो छतरे रहते हैं उनको हम ऐसे गिराते हैं, तो रह जाता है सिर्फ एक कसाई। वो यार तुम हम आए लेने के लिए बकरा, हमें कोई सस्ता बकरा दो। सस्ता? बिल्कुल सस्ता बकरा चाहिए। कितने तक का हो, कितने तक का? ये मैं मशवरा कर लेता हूँ गुल खान के साथ। गुल ये बताओ कितने तक का यार? हमारे को तो सस्ता सस्ता बकरी चाहिए। हमें इनको सस्ती सस्ती बकरी चाहिए, हमें सस्ता सस्ता बकरा चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, वो बकरा इतना मोटा तो हो। वो यार हमारे डेड में गुड़गुड़ी हो रही है। ओए तुम्हारे डेड में गुड़गुड़ी हो रही है? बकरा को ये तो दिखाओ। अब पहले तुम दोनों फैसला करो कि बकरी चाहिए या बकरा चाहिए। इनको बकरी चाहिए, मुझे बकरा चाहिए। इनको बकरा चाहिए, बकरा कोई छोटा वाला हमें दिखा दो। रुको, पहले शर्ट तब्दील करो। उधर जो तुम उधर आ जाओ। क्या हो गया खान भाई? वो यार ये मारती है ना भड़क करके लगती है, हमारी गुर्दी बाहर आती है बाहर। अब ये वाली गुर्दी बाहर आ गई, अब ये वाली गुर्दी बाहर निकलवाना चाह रहे हैं तो। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बकरे हैं जो हमने देखी ये थोड़ी सस्ती है, हम किसी और जगह पर चले वहाँ महंगे बकरे होंगे। ये बताओ अगर तुम हमें आज का बकरा दिलवा दो तो हम तुम्हें बकरे का कमीशन 5,000 रुपए देगा। वाह सही, 5,000? 5,000 दी खातर तो मैं कुछ भी कर देता। 5,000 दा बकरा, 5,000 कमीशन। नाजरीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जब तक हम किसी और जगह पर बकरा ढूंढते हैं। माई 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 बकरी दीवाने, माई 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 मैं कुछ छतरा दीवाने। वेलकम बैक नाजरीन, मौजा समुराना की मवेशी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और मगरिब के बाद के तकरीबन वक्त होने लगा है और इस वक्त शाम ही हो गई, हमें ढूंढते हुए अंधेरी हो गई। अंधेरी अंधेरी भी ख़त्म हो गई, बारिश भी ख़त्म हो गई, अब शाम हो गई, रात ढलने वाली है। कोई बकरा सस्ता सा ढूंढते हैं, ये हमने पकड़े हुए हैं, ये हमें जो है बकरा दिलवाएंगे। और खान साहब भी गुल खान मेरे साथ मौजूद हैं। गुल खान अंदर चलो, ये एक बाड़ा इनका नजर आ रहा है उसके अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो माड़ा पूछो। वो यारा ये तुम्हारा क्या चीज है? हमारा जी वाड़ा है। वाड़ा वाड़ा वाड़ा। आओ जी अंदर चलें, जरा देखते हैं जानवर, देखते हैं बाड़े के अंदर जाके। आओ खान, गुल खान आ जाओ। गुल खान को बुलाओ। गुल खान माई 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 मैं कुछ दुम्बी दीवाने, माई 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 मैं कुछ छतरा दीवाने। वाजीबा गुल खान। अरे ये बड़े प्यारा बाल है इसके, देखो कितने खूबसूरत किस्म के इसके जो है बाल हैं, बालों को बड़े डिजाइन के साथ संभाला हुआ है। सुबह 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 इसको कौन सा तेल लगाते हैं? ये सुबह सुबह इसको सरसों का और गरी का, सरसों का गरी का तेल लगाया जाता है, उसके बाद इसके बाल बनाए जाते हैं। कौन से लेने लाला? केला तुम तेल लगाती है? वो यार शैम्पू भी लगाओ यार, बहुत सोनी है तुम्हारा भाई, तेल लगाएगा वही जुल्फी। ये बताओ इसको कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाया? सुबह बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ लग रहा है। ब्यूटी पार्लर है कंबेला। कंबेला इसके ऊपर कितना खर्चा आता है इसे ब्यूटी पार्लर से तैयार करा? एक तकरीबन 150-100 रुपए का खर्चा आता है इसपे। 150 रुपए में क्या क्या इसका होता है? कटिंग शटिंग में कोई अपना साबुन लाता है और जनाब सर्फ लाता है,
उससे जनाब वो एक स्प्रिंगो वाला बुर्श लाता है। हाँ ना यार, अपने बाल सीधा करे यार। इसको कितने आगे लाओ आगे। हमारे पाकिस्तान में 5 दरिया है, वो नहरें कितनी है? बहुत सारी नहरें, बहुत सारी नहीं गिने जाती नहरें। वो नलका कितनी है? अरे यार खाना, तूने मुझे कौन से अजाम में फंसा दिया? लेला लेने आया, दुम्बा लेने आया या नलके लेने आया? यार कभी ओ यार कभी ना भी लिया करो यार। यार हम नहाते हैं यार। किधर नहाती है? अभी जो आया तूफान लटकती पई है यार। ये जो लटकती पई है यार, ये जो तूफान आया, ये थोड़ा सा तूफान आया यार, तूफान में उड़ गया है ना यार। तुम तूफान में उड़ बाल उड़ गया, बाल उड़ गया है। तुम्हें मार रहा, तंग कर रहा, क्या कह रहा है बकरा? ये बकरा एंजॉय करती है, एंजॉय। अरे ये बताओ कि ये पठान आया पिशावर से जी या बकरे लेने? बेशक देखो, मुंह देख के लगता है कि ये बकरे लेगा। नहीं तकरीबन नजर तो आता है खान साहब है, लेकिन दुम्बे नहीं लेगा। दुम्बे नहीं लेगा ये? नहीं नहीं नहीं, हालत ही नहीं दुम्बे। नहीं नहीं नहीं, दुम्बा लेना की इसकी जरूरत नहीं है। मुंह संभाल के बात करो, हमको आम ताम बंदा नहीं है। पठान है, पठान पेशावर से आई है। ये बकरा, ये दुम्बा इतना का कीमती है, तू क्या लेगा? तुम्हारे पास पैसा है? ये कीमती है हा? वो सारा रुई है इसके ऊपर, ये देखो किधर इसका, इसका गोश्त किधर है, किधर है गोश्त? इसलिए तो मैंने कहा है कि आप नहीं ले सकते। जैसे इसका ऊन है वैसे तेरा ऊन है। आप सोचते रहोगे ना, लोगे नहीं सोचते रहोगे यार। ऐसी बात नहीं है, बांध के ये मैं पगड़ी बांध लेता हूँ। मैं क्या दुम्बे लेने आ जाऊंगा? ये मैं पगड़ी बांध, पगड़ी बांधो, मैं पगड़ी बांधता हूँ। ये देखो ये कितना मोटा लगती पई है गुम्बा। हाँ गुम्बा मोटी है ना? हाँ मोटी है। ये 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 सामने हो, ये ये इधर खड़ी हो, ये इधर इधर, ये तुम्हारा पसली यार, पसली सारी। हाँ ना, रोटी कम खाता है, रोटी कम खाती है। तुम डाइट डाइट पर है, डाइट पर है। वो डाइट पे नहीं है यार, जैसे ये दुम्बी है वैसे ये भाई, ये दुम्बा है और दुम्बी है, दुम्बा है और दुम्बी है। नहीं खान है, खान दुम्बे को दुम्बी आते हो सच आधा पे बाबा लोग गाल तो हुए ना। खान साहब को समझावना ते वाला लगे तो आसान से कोच कुटन बढ़ाना है तो बराबर है। देख खान साहब, खान साहब तोड़े उते इतने लतीफे क्यों बने हुए? ओ यार ये लतीफा नहीं है, ये हमारा सोना सोना पाकिस्तानी लोग है ना, ये हमारे ऊपर एंजॉय करती है, एंजॉय। एंजॉय तुम्हारे पे करना है। वो यार पठान पे नहीं करेंगे तो किस पे करेगा यार? खान का तुम खुश होती है ना, पठान का दिल खुश होती है। दसो कोई एक खान का तुमने मुंह देख के बताया कि इसका मुंह इस काबिल नहीं है ये ले सके। खान साहब इनका देख के मुंह आपको लगता है सारा माल इनका होगा? ओ यार इसका माल किधर है? ये इधर मेंगड़ी मिलती है, मेंगड़ी। पर तुम्हारा माल नहीं है, वो ये कहते तुम यहाँ मेंगड़ी मिलती है, माल किसी और का। माल तो वो मालिक साहब खड़ी है सामने, उसका माल है। हाँ वो मालिक खड़ी है, अगला आते ही पूछती है वो बकरा को कम तो नहीं होगी यार। सच है, सच है, सच है, हक है। प्यारा है चप्पा चप्पा चढ़ी पी है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो चप्पा चप्पा। खान भाई उसकी कटिंग नहीं कराई, उसकी कटिंग नहीं कराई, अभी ब्यूटी पार्लर जाएगा कटिंग कराएगा। अच्छा कटिंग कराएगा इसका? कटिंग कराएगा इसको देखो। यार उसकी कटिंग को छोड़ो, तूने अपना कटिंग कराई है। खान भाई ऐसे न करो, मरा मेरी कैप इधर वापस करो। वो ये क्या कबाब वर्गा तेरा मुँह है यार? इधर देख रोगनी नान कड़ी है यार, इधर देख सड़ी हो हांडी कड़ी है।
तू कौन सी बड़ी चीज करी है हमारे वो कौन थे तुम कौन थे हमारे लिए तो एक बोल बात के खड़ी है मैंने पकड़ी नहीं पाया ये मुशद्दी है मुशद्दी इतनी लंबी मुशद्दी नहीं होती कितनी लंबी होती अपने कद से बड़ी तो बांधता क्या बांधता मुशद्दी वो यार याद है बांधता बांधता क्या बांधता वो यार वो अच्छा वाला बात करो यार किधर जाती है यार मेरी बात सुनो मुंह वैसे तुम्हारा भी नहीं लग रहा कि तुम बकरे लेने के लिए हमें लग रहा है जैसे कोई स्कूटर बजा होता थोड़ा मुंह भी है फिर वो बकरे की कोई खासियत बताओ ऐसा बकरा जो रात के टाइम हमें सुबह कुकड़ू कू करके उठाए कोई ऐसा जो दुम्बा दिखाओ जो रात को नुसरत फतेह अली खान के गाने सुनाए ऐसा दिखाओ जो अताउल्लाह ईसा खेलवी के गाने सुनाए कोई ऐसा नूर जहाँ का कोई ऐसा जो रात को उठ के जरा घर की सफाई सफाई हमारी कर दे कोई ऐसा बकरा दिखाओ जिसकी कोई खासियत तो तू सा गाने सुने ये घर दे काम करावने या कुर्बानी तो लावने यार हम खाना कोई डिफरेंट किस्म का बकरा ढूंढते मुझे नहीं लगता यार हमारी बात बनेगी लेकिन जो बालों वाला बकरा था उसके कितने पैसे मांगे लाख रुपया मांगे लाख लाख रुपया हाँ सही लाख रुपया वो लाख वो लाख ओ पैसे पैसे खान पैसे लाख रुपया लाख रुपया तू तो आधे वो लाख 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 रुपया वो यार वो लाख वो लाख वो लाख वो लाख वो लाख वो लाख इन दोनों की बहस तो चलती रहेगी तकरार भी जारी रहेगी मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन सारी मंडी घूम घूम के हम थक चुके हैं रात हो चुकी है सांस जो है वो भी सही तरह से बहाल नहीं हो रहा लेकिन अभी तक इस ड्रेसिंग के बावजूद भी हमें सही मायनों के अंदर जो है वो बकरा नहीं मिल रहा अब हम आए हैं कुछ सिंधी मानो हमारे साथ हैं कोशिश करते हैं कि अगर ये सिंधी मानो हमें कोई अच्छा बकरा दिलवा दें तो इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी अरे दसो मंडी दी क्या सूरत हाल है पोजीशन क्या है इस पर मंडी दी पोजीशन बहुत खराब है मंदा चलता पे खर्चे बहुत हैं खर्चे बहुत गन तो गाहक कोई को नहीं रेट कम लेंदे पर ये वजह दराज तो आए ने साडे देखो पेशावर तू पठाने खान गुलखान ओ यार कोई सस्ती सस्ती दुम्बी रिको दुम दुम्बी नहीं इधर सिंधी है बकरे बकरे बकरी नहीं कहो नहीं आंडू है वही 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 आंडू लेके आओ आंडू कितने आप ओए खड़ा है आंडू वो खड़ा मुझे लेके आओ आंडू एक एक ले आओ जी एक ले आओ ये पेशावर से आए बड़े पैसे वाले हैं क्या पता ये पूरा का पूरा ही खरीद ले अच्छा ठीक है ये सारा का सारा वो यार हम खान बाबा जी जी देखो वो यार वही कुर्बान ओ भाई कुर्बान ओले ओले खान किने राख तो राख ना चाड़ बने वो यार इसका कान टुकी पई है हैं इसका कान टुकी पई है थोड़ा और पटक लो वो देखो यार मेरा बात समझो कुर्बानी का जानवर यार बेऐब होना चाहिए हां कुर्बानी उसमें ऐब नहीं होना चाहिए कोई ऐसे चीज दिखो जो ऐसे वही कुर्बान वही कुर्बान वही कुर्बान वही कुर्बान वो वाला आएगा मेरा बकरा ले जाऊंगा मैं बकरा उठाऊंगा उसका नखरा ओ वही कुर्बान वही कुर्बान इसका रेट तो मुका लो यार अल्लाह का बंदा इसका रेट वो यार दूसरा बकरी दिखाओ दूसरा दिखाओ नहीं नहीं अच्छा इसका रेट तो मांग लो कितना मांग लो 1,10,000 वो यार कल वाला बात करो 1,10,000 रुपए का ये वो ऐसा बकरी हमारा पेशावर में पहाड़ों पे चरती फिरती है चरती फिरती है चरती फिरती है मुफ्त में फिरती है मुफ्त में फिरती है बगड़ू बगड़ू करती फिरती है उधर हम पकड़ती नहीं है हम कहते नहीं हम पैसे से खरीद के कुर्बानी करेगी तो फिर खरीद लो ना कुर्बानी कर लो ना देखो यार इसका जैस पैसे का बात करो फिर बात बनती है माशाल्लाह माशाल्लाह पकड़ के रखो ओ भाई कुर्बान
सबसे खूबसूरत बकरा यही है। आ जाओ आगे, सबसे खूबसूरत बकरा यही है, यही बकरा। हमने जितने बकरे देखे उन सब में हमें ये सबसे खूबसूरत लगा, पसंद आया। इसको 2.5 लाख मांग रहे हैं। वही कुर्बान, वही दिल गटोन 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 खान, 2.5 लाख, 2.5 लाख। वो यार जैस जैस बात करो, वो यार कुर्बानी की बकरी, वो कुर्बानी का बकरी, वो हमारे को पसंद ही हुई, वो लमिया तो फेंक दे, 2.5 लाख का ले लूँ, वो लमिया वो दे दे मेरे को ही। वो यार को जैस जैस बात करो, दे दो दे दो। हाँ कम दे दो। तुमने कहा 5,000 दे दो। नहीं भाई, मैंने कहा 5,000 कम दो दो। कम भी का है, कम भी 5,000 रुपए कम करके। इस यार बात सुनो, न तेरा न हमारा, 10,000 रुपए लो। अच्छा कुर्बानी करोगी? ओ यार कुर्बानी करेगी यार, दुआ करेगी। वो पठान तेरे को जोले चोक चोक के दुआ करेगी। मुर्गी कुर्बान करो, मुर्गी बकरा नहीं कर सकती यार। हमारा मुर्गी कुर्बान करने को दिल नहीं करती, नहीं हम चाहते कि बकरा हो। बकरा 2.5 लाख का है, मुर्गी मिलता है 10,000 में। चलो यार तुम नाराज होती है, मुर्गा मिलता चलो है। तुम 15,000 ले लो यार, 15,000। यार खान कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पेशावर से है, बड़ा पैसे वाला आदमी। देखो पैसा पैसा पैसा। देखो मैं इसके साथ आऊँ, इसने मुझे मुकाया 20,000 रुपए लूंगा, मैं कुर्बानी करूंगा इसकी। इसने मैं क्या रेट लगाया? जितना इसके पास पैसा है इसने क्या रेट लगाया? ये 20,000 का बकरा है। वो यार हम आम बंदे हैं, वो हम मामूली बंदे। ओ खान, वो हम मामूली बंदे। तुम 3 लाख। यार मेरी बात सुनो, हम ये रोड़ा मार के भाग जाएंगे। ये बकरा हमारे को दे दो। पठान को गुस्सी आ गई है। नहीं नहीं गुल खान, पठान को गुस्सी चढ़ गई है। खान बाबा नहीं, खान बाबा नहीं, चढ़ गई है। खान बाबा नहीं, खान बाबा नहीं, चढ़ गई है। छोड़ दो, अभी ले लेते, छोड़ छोड़ छोड़। वो कसाई माड़ा। वो यार इसका वजन तो करते, कितना वजन है इसका? ओ यार तुम यकीन मानो, तुमने मुझे इतना जलील किया हुआ, इतना जलील किया, मैंने जलील किया हुआ, इतना जलील किया हुआ। पहले तुम्हारा, पहले तुम्हारा कर, ए खाना मत, पेट मारोगे तेरे। चल 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 चल। नाज़रीन इनकी तो लड़ाई जारी रहेगी, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्तान की मवेशी मंडी में हम इस टाइम मौजूद हैं। पूरी मंडी हमने छान ली है, रात के 12-1 बज चुके हैं। और मंडी के अंदर ये घास का भी इधर जा रहा है। भाईजान रोको 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 रोको। ये देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम घास ही खरीद लो, क्योंकि बकरा तो तुम नहीं खरीद पाओगे। वो यार घास भी खरीदेगी, बकरा भी खरीदेगी। घास का मोल पूछ लेते हैं क्या है? 700 भाई। कितना रेट है घास का? घास का 700 रुपए। 700 रुपए का तो हम पूरा बकरा लेना चाह रहे हैं, घास का मोल 700 रुपए। क्यों इतना महंगा क्यों किया हुआ? उसको बताएं, अभी पूछते हैं उनसे जाके भी। भाईजान ये बताएं कि घास का क्या रेट चल रहा है? 700। ये 700 रुपए घास बहुत महंगा नहीं है? 2500 रुपए गंदुम है, 700 रुपए। भाई बहुत महंगाई तो है ना, ये भी तो देखो खर्चे हैं, ये भी तो देखो ना। 200 रुपए। ये आप बाकी आपके कितने खर्चात होते हैं, आपके क्या सूरत हाल है इस वक्त? कुछ भी नहीं कह सकते। रेट जो है वो बहुत महंगा है, खासा मुश्किलात का सामना है, परेशान लोग हैं। ये घास जो है ना वे कुर्बान, मेरी बात सुनो, ये वाली जो घास है ना ये मिल रही है 700 रुपए मन। हमारे को लूटती पड़ी अब 700 रुपए का। हम सिर्फ ये घास खाएगा या फिर हम बकरा लेगा? वो यार हमारा बात सुनो, हम घास वास खाती नहीं, हम सूंघती है। वो कुर्बान, वो कुर्बान, वो कुर्बान, वो कुर्बान, वो वाह मौला तेरा शान, वाह मौला तेरा शान, वो कुर्बान, वो कुर्बान। कोई बकरा दिलवा दो हमें कुर्बान, वो कुर्बान। वो आएगा अकबर खाना, वो बड़ा बड़ा बकरा लेके यहाँ से जाना, वही कुर्बान, वही कुर्बान। यहाँ चलता है, यहाँ पर हमें कुछ लोग जो है वो बैठे दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ लगता है कि यहाँ पे अपना जो सीन है वो बन जाएगा। बाबो बाबो त्रोड़ा मन गए। भाईजान क्या हाल है? दुआ है, खैरियत है। भाईजान घास बकरा देखने के लिए आए थे, सुबह से घूम रहे हैं, बकरा नहीं समझ आ रहा। वो यार घास नहीं, वो बकरा देखना ही है, बकरा देखे। बकरा तो नहीं मिला, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना घास ले जाएं, अगले चक्कर में बकरा मिल जाएगा। अगर कोई बकरा भी है तो हमें दिलवा दो। बकरे तो हैं, बकरे महंगे हैं। ये बताओ कोई खान को देखो, खान बहुत दूर से आया हुआ है, कोई अगर छोटा सा हमें बकरा मिल जाए। ये बताएं कि ये अब क्या सोचा है कि हम मंडी से वापस घर चले जाएं या कोई सस्ता बकरा में देते हैं? सस्ता तो नहीं मिलेगा, वैसे आपको चले जाना है तो चले जाओ। नहीं कोई छोटा बकरा दे। ये तुम गुस्से वाला बात करती है, कोई हमको चंगी चंगी बकरी दिखाओ। चंगी चंगी बकरी लोगे? हाँ नहीं लेगा। खान लेगा, खान पैसा है, वो बड़ा पैसा है यार। पैसा बड़ा है, दो बकरियां लेनी है, एक तुमने अपनी लेनी है, एक बकरी मैंने लेनी है। अच्छा। दो बकरियां जो है वो हमें दिखाओ, हम कसाई है, हम देखते साथ ही बता देगा कितना गोश्त है कितना नहीं है। दो नंबरी ना कीजिएगा, हमसे अच्छी वाली बकरी जो है वो मंगवा दे। माशाल्लाह कुर्बान, वही कुर्बान, ये बड़ा फुक्का बकरी, जाना पठान ना इसको ले जाना, इसका ना पैसा देवे ना ना, वही कुर्बान, वही कुर्बान, वही कुर्बान ना इसको ना दूर ले जाना, पैसे ऐसे दिखाना, वही कुर्बान, वही ओ बछड़े के बाद कटाना, ओ बछड़े का हासा दिलाना, वही कुर्बान, वही कुर्बान। ये छोटी छोटी बकरी जो है वो मुझे लगता है इसकी है, ये तुम्हारी बकरी है? नहीं नहीं, हाँ बोलो, ये तुम्हारी बकरी है? इसको क्या खिलाते हो बकरी को? घास। घास इस बकरी को जो है वो खिलाते हैं, और अभी भी हम इस बकरी को घास ही खिला रहे हैं। खान इसका जायज जायज सिंदा मानो, इसका जायज जायज पैसा बता दो। खौफ खुदा करो यार, 1,60,000 का बकरी है ये, तुक्का पड़ुक्के यार, तुक्का पड़ुक्के यार। दूध देखा? दूध देखो, वो यार मैंने दूध नहीं पीना यार, मैंने गोश्त बना के लोगों में तकसीम करना है। गोश्त देखो ना खान, ये देखो गोश्त। अच्छा इस बकरी की खासियत क्या है? इस बकरी की खासियत ये है कि खाती बहुत है, लगता नहीं है। बकरी की खासियत ये है कि ये खाती बहुत है, लेकिन इसको लगता नहीं है। बिल्कुल मेरी जरा वही, बिल्कुल ठीक का, जैसे तुम सुखी सुखी है ना, वैसे ये सुखी सुखी है। वह कुर्बान इधर नहीं जाना, इधर आओ, बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो, और ये बकरी कंप्यूटर चला लेती है? हाँ चला लेती है। वही कुर्बान, वही कुर्बान, और कंप्यूटर इसको सिखाना, ये जाएगी भज जाना, वही कुर्बान, वही कुर्बान। अच्छा ये बताओ, ये मतलब हिसाब किताब कर लेती है दिन में कितने की सेल हुई कितने की नहीं? सारी मार्केट की खबर लेती है ये। अच्छा ये मार्केट की यूं समझो वधाई नहीं होती, ये मार्केट की दाई जासूसन। अच्छा मेरी बात सुनो, इसकी और क्या क्या खासियत? दूध कम देती है, खाती बहुत है, खाती बहुत है, खान के लायक है ये बकरी। ओए कुर्बान, ओए कुर्बान, पठान का दिल टूटाना, तू ये बकरी अंदर ले जाना, मैं नहीं लेता ना। ओए कुर्बान, ओए कुर्बान। अच्छा मेरी बात सुनो, इस बकरी की जो खासियतें हैं वो पूछ लेते हैं। खासियत है क्या? ये कंप्यूटर चला लेती है, रोटी पानी पका लेती है, घर की सफाई कर लेती है, बाकी मामलात कर लेती है ये। ऊपर मैंने सुना ये जहाज की पायलट रही है पहले हमारे को ऐसा बकरी नहीं चाहिए। पहले इसने क्या किया काम? इसने बहुत काम किए, क्रेन भी चलाती है। वो पठान मर गई, वही तो पठान का सारा पार गिरा देगी, वो हमारा पिशावर को तबाह कर देगी। वो ये इंडिया का जासूस तो नहीं है यारा, क्रेन के साथ हमारा पठान का पार गिरा देगी। ये बकरी क्रेन चला, क्रेन चला लेती है। और क्या करती होगी ये बकरी? वो यार मुझे नहीं पता, यहाँ इसको परे को रही यार मेरे। और क्या करती है? और बहुत कुछ करती है, मिसाल के खाना बनाती है। अच्छा खुद नहीं खाती,
बना के देती है। ओ, ओ, सही है खान साहब। वो मेरी अम्मा रोटी ना पका जा, तू जा मेरी अम्मा जा, हम तेरे को देख रहे थे। अरे ये बताओ साइकिल चला लेती? मोटरसाइकिल चला लेती है। मोटरसाइकिल चला लेती है ये बकरी, मोटरसाइकिल चला लेती है भाई। तू इसके पीछे बैठ सेल करिए ना, पठान का दिल घटती है। अच्छा ये बताओ ये बकरी की और क्या फंक्शन है इसके अंदर? और बहुत फंक्शन, क्या क्या बताऊं खान को एतबार ही नहीं। खान ये मेरी बात सुनो, इनकी बात पे एतबार करो, इनसे पूछो ये बकरी क्या कुछ कर सकती है, ये पूछो। नहीं भाई हम कुछ नहीं पूछती, पठान का बस वही कुर्बान, वही कुर्बान। कश्ती कश्ती वश्ती चला लेती है। हाँ कश्ती चला लेती है। मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो उसका पंचर लगा देती है, खुद लगा देती है। ओहो अच्छा पंचर भी लगा देती है और ये खुद सलाम दुआ करती है। हेलो कितने मांगे इसका रेट? एक साथ कितने का बिकने? वो मेरी अम्मा, वो मेरा बहन, वो कितने का बिकती है वो अल्लाह का वास्ते बताओ ये रहा। 150 150 1 लाख 140 के कह रही है। 140 रुपये 140 140 ठीक है ठीक है। 140 140 यार ये बकरी 140,000 की है नहीं वैसे, लेकिन जो तुमने इसकी वैरायटियां बताई ना, ट्रेन चला लेती है, जहाज चला लेती है, मोटरसाइकिल चला लेती है, मोटरसाइकिल ख़राब हो उसका पंचर लगा देती है, घर की कपड़े रोटी हांडी धो लेती है, कपड़े धो देती है, इस्त्री कर देती है, घर के अंदर जो सारे काम हो वो ये कर सकती है, और जॉब पर भी जाती है शाम को, काम काज करके पैसा भी कमा के लाती है, ये तो और क्या चाहिए? 140,000 कुछ समझ नहीं आती है हमारे को, कुछ समझ नहीं आती। डोरी डोरी ये बताओ तुम्हारे इधर ये क्या क्या काम करती है? इधर सारे बकरों की रखवाली करती है, रखवाली करती है, शाम को गिनती है कितने बकरे अंदर बाड़े में गए हैं कितने नहीं गए, रात को चौकीदारी करती है, रात को चौकीदारी करती है, सुबह उठ के झाड़ू भी देती है, हैं सुबह उठ के तेरे जुआ भी देखती है, तेरे को बुरश भी करती है, तेरे गर्लफ्रेंड से भी बात करती है। वही कुर्बान वही कुर्बान। नाज़रीन कोशिश करेंगे कि इतनी क्वालिटियों वाली बकरी जो है ये हम खरीद लें, और इसके लिए मानो बात सुनो, पठान नहीं लेती। मानो 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 नहीं, पठान नहीं लेती, दे दो दो साढ़े 500 रुपये कुर्बान। ये लो भाई ये 500 और ये 550 550 रुपये के अंदर नाज़रीन हम बकरी जो है वो खान साहब को दिलवाने में कामयाब हुए। खान साहब जी जी अभी मुश्किल सफ़र कटा नहीं है, अभी आगे जाकर आप जब इसको घर ले जाओगे तो फिर इसके लिए आपको किराया भी बढ़ना है रक्षे का, वो भी बहुत महंगा होगा। नाज़रीन चलते हैं, खान साहब को ये बकरी मिल गई। खान साहब इसको उठा लो, जिसको वही कुर्बान वही कुर्बान। खान साहब को एक बेहतरीन किस्म की हम बकरी दिलवाने में कामयाब हो गए, और ये बकरी हमें पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती तरीन जो है वो मिली है। और इस वक्त बात करते चले मुल्तान की मंडियों की, तो मंडियां बहुत तेज़ हैं, सख्त किस्म के रेट हैं जिसपे शहरी नहीं ख़रीद पा रहे, लेकिन हम लोग अपनी ड्रेसिंग और खान साहब की वजह से, गुल खान की वजह से सस्ती बकरी लेने में जो है वो कामयाब हुए। अगली एपिसोड तक के लिए अपने मेज़बान वसीम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।